हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में जितने भी छात्रों ने भाग लिया है उनकी काउंसलिंग यानी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो कल 15 तारीख से शुरू होने जा रही है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट थे जिन्होंने जिनका इसी साल फाइनल हुआ है ग्रेजुएशन, उनको अभी अपना रिजल्ट अपलोड करना है और अभी तक बच्चे अपलोड नहीं कर पा रहे थे और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपलोड करना है। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आपके सारे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में आपको बताऊंगा, आप घर बैठे कर सकते हो, तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी छात्र अपना रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। आप घर बैठे आप अपना 150 रुपये भी बचा लोगे और समय भी बच जाएगा, आप धूप में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बस थैंक्स लिख देना कॉमेंट सेक्शन में, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अगर आपकी हेल्प हो गई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कैसे करना है। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे छात्रों ने यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम का भी फॉर्म डाला होगा। हमारे चैनल पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, इसी चैनल पर पैट एग्जाम की लाइव क्लास चलती है शाम 7 बजे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त आपको 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जाएगा और प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, कीमत नाम मात्र 175 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सफिशियंट नोट्स होने वाला है। इस नोट्स को परचेज करने के बाद में किसी भी किताब या गाइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो, पेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेट एग्जाम के नोट्स को परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना कि सर पेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। एक और जानकारी, अगर आप बीएड की कोई जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज मत करना, क्योंकि मेरा एम्प्लॉई बैठा है वहां पर, उसको बीएड की कोई नॉलेज नहीं है। आप बीएड की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे सीधा बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लेना। स्टोरी पर सारे अपडेट देता रहता हूँ, काउंसलिंग की डेट चेंज होगी, राउंड अगर शिफ्ट होगा आगे बढ़ेगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताकि आपका काउंसलिंग मिस ना हो और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो कि सर कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, अपना रैंक बता दो मुझे, वहाँ पर मैसेज कर दो और अपना मार्क्स बता दो। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि कौन सा आपका कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या गवर्नमेंट मिलेगा, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे काउंसलिंग से रिलेटेड दोस्तों। और आप मुझसे बात करके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, मुझे फॉलो जरूर कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहते हैं। तो जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जा सकते हो या फिर ये यूजर आईडी सर्च कर सकते हो। आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अपना रिजल्ट अगर आपका इसी साल ग्रेजुएशन हुआ है, यानी इसी साल अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, उन्हीं को केवल रिजल्ट अपलोड करना है। जिनका ऑलरेडी पहले से हो रखा था ग्रेजुएशन फाइनल, उन्होंने तो फॉर्म में ही अपलोड कर दिया होगा, उनको कुछ नहीं करना है, उनको केवल सीधा रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी कल, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन की जो बताने जा रहा हूं, ये पूरा आपको सैंपल बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से करना है आपको, ताकि आप समझ जाओ। और ये जो रिजल्ट अपलोडिंग का काम है वो कल सुबह से स्टार्ट होगा, यानी कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा या रात 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आज से ही स्टार्ट होगा, रात 12 बजे से कल के डेट में 15 तारीख से, ठीक है। तो अभी अपलोड नहीं हो रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। 12 बजे रात के बाद ये अपलोड आप कर सकते हो अपना रिजल्ट, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इस पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करना, आपको इंस्टाग्राम पर तो जाना ही हमारे, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। और यहाँ पर देखिए टू अदर्स लिंक लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यूपी बीएड ऑफिशियल वेबसाइट की वहाँ पर लिंक लगा रखी है मैंने, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको अपना वही पुराना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपने एडमिट कार्ड निकाला था, रिजल्ट निकाला था, ठीक है, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको बस लॉग इन करना है। अगर पासवर्ड भूल गए हो दोस्तों तो, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो, तो आप अपना एडमिट कार्ड रखे हो या फॉर्म अगर आपने रखा हो, फॉर्म जो फिल किया था तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही यूजर आईडी है, और उसको डाल के और यहां पर फॉरगेट पासवर्ड कर देना, तो आपका आपके जीमेल पर पासवर्ड नया चला जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉग इन करना है। अब जैसे ही आप लॉग इन करोगे दोस्तों, यहां पर आपको एक ऊपर एक फ्लैश होगा, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको डेस्कटॉप मोड पे जाकर करना है, ठीक है। जब आप अपने क्रोम पर ओपन करोगे उसके बाद डेस्कटॉप मोड है अगर आपके ऑप्शन में है तो उसको ओपन करिए, तो ये शायद ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू एप्लीकेशन का। या फिर अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो आप अपने लैपटॉप या फिर अगर कंप्यूटर आपके पास तो ज़्यादा बेटर है, आप उसमें खोलो, सबको शो कर जाएगा। और इन केस आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है और आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपको साइबर कैफे पे जाना होगा, वहाँ पे आपको 10-20 रुपये देके ये काम करवाना होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, आप पहले अपने फ़ोन पर चेक कर लो, आप अपने घर पे बैठ के ही कर सकते हो अगर ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑप्शन नहीं आता है, फ्लैश ही नहीं करता है। तो जैसे ही फ्लैश होगा, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, इस पर ही क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस आएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखे हैं, तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। हाँ, अगर आप अपना आईडी प्रूफ कोई चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको आईडी प्रूफ चेंज करने की कोई ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पर राइट साइड नीचे कॉर्नर पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट अपेयरिंग में डाले होंगे फॉर्म, उनका तुरंत यहाँ पर अपेयरिंग पर क्लिक टिक हुआ आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको अपेयरिंग पर जैसे ही क्लिक रहेगा ना, तो आपको यहाँ पर बगल में पास पे क्लिक कर देना है। जब आपका ऑलरेडी अपेयरिंग पर रहेगा, आपको पास पे क्लिक करना है। जैसे आप पास पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको आएगा ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर दोस्तों अपेयरिंग कैंडिडेट वालों को समझ लो एक और मौका मिल जाएगा यहाँ पर। अगर किसी का गलत हो गया था स्ट्रीम, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर मैंने फॉर्म साइबर कैफे भराया, उन्होंने गलती कर दिया, मैंने आर्ट स्ट्रीम बोला था, उन्होंने साइंस डाल दिया, पेपर तो मैंने दे दिया, बट क्या आप सही हो सकता है कि नहीं सही हो सकता है, तो यहाँ पर सही कर सकते हैं। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन से स्ट्रीम से आप हो, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, एग्रीकल्चर या फिर अदर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हाँ, मैंने आर्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना विश्वविद्यालय डालना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालना है, उसके बाद में आपको उत्तीर्ण का वर्ष, कौन से वर्ष में आपने इसको फाइनल किया है, इसके बाद में आपको कुल प्राप्तांक डालना है और अधिकतम अंक डालना है। ठीक है, उसके बाद में आपका परसेंटेज यहाँ पर बनकर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, डिटेल हो गया। उसके बाद में आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना है। मैंने रिजल्ट के लिए बताया था कि इंटरनेट कॉपी ही मिली होगी सभी को, अभी तो ओरिजिनल मार्कशीट मिली नहीं होगी, तो इंटरनेट कॉपी को आपको डाउनलोड करके फोटो कॉपी करा के आपको कॉलेज में जाना था, और कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के मुहर लगवा लेना था। ठीक है, अब बहुत सारे इशू आ रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज वाले मना कर रहे हैं, तो इन केस में आप अपना जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें बताया गया है, साफ साफ मेंशन किया गया, आप उसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर उनसे कह सकते हो कि सर बीएड काउंसलिंग करवाना है, उसमें बताया गया है कि आप अटेस्ट करवा के ही इसको अपलोड करो। ठीक है, तो आप करवा सकते हो उसको। ठीक है, अगर इनकेस नहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे ही अपलोड कर दो, क्या किया जा सकता है ना। तो आप लोग को क्या करना है, फाइल अपलोड करना है उसको। तो अब देखो, अगर आप घर बैठे कर रहे हो तो उसके लिए करना क्या, आपको अपने इंटरनेट कॉपी जो है ना पीडीएफ आपने डाउनलोड कर रखी होगी, या रिजल्ट डाउनलोड कर लो, फिर से आप डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पीडीएफ की फाइल होगी वो 1 MB की होगी। ठीक है, 1 MB या फिर JPG करना है या PDF करना है, जो भी करना है आप 1 MB की होगी। अगर आपके पास है तो उसकी फोटो खींच लो, अगर प्रिंट आउट है उसका या फिर PDF है, तो 1 MB के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 1 MB में कैसे बनाऊँ, उसके लिए गूगल पे आप सर्च कर लेना, आई एम रिसाइजर करके एक वेबसाइट है, ये सर्च कर लेना, आई एम रिसाइजर पहली वेबसाइट आएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक करोगे ना तो आपकी गैलरी से आप अपने PDF को डाउनलोड कर लेना, रिजल्ट वाले को। ठीक है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना, इसमें जैसे आप सेलेक्ट करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट हो जाने पर यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह आ जाएगा, फॉर्मेट वगैरह आ जाने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट पे चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब चेंज पे आप लोग क्लिक, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस फॉर्मेट में इसको चाहिए, PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, तो आप PDF पे क्लिक कर देना। PDF पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देना। अप्लाई पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्सिमम फाइल साइज 1 लिख देना, और यूनिट जो है KB के बजाय MB सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद अप्लाई कर देना, तो ये 1 MB की फाइल ये बन जाए। उसके बाद अप्लाई करते ही दोस्तों ये अपलोड होने लगेगा, अपलोड होने के बाद प्रोसेस इमेज में जाएगा, और फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और बस आप डाउनलोड कर लो तो आपकी फाइल जो है वो 1 MB में बनकर तैयार हो जाएगी। बस उसके बाद वापस आ जाना है वेबसाइट पर, और चूज फाइल पे क्लिक करके वही 1 MB वाली फाइल आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर, और चूज करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है, और बस ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना, बस आपका जो है रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये था स्टेप बाय स्टेप, आज मैंने आपको रिजल्ट कैसे अपलोड करना ये बता दिया है, और कल मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिख के थैंक्स जरूर बोल देना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आकर DM करो, मुझे बताओ, मैं आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताऊंगा दोस्तों जो हो सकेगा। तो आप लोग इतना काम करो, फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू।